हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वाराणसी की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी। आज मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ काले चने और आलू के चाट की रेसिपी। ये बहुत ही फेमस है वाराणसी में और इसे बनाया जाता है काले चने के स्प्राउट्स से और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काले चने का स्प्राउट और इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये देखिए हाथों से ये अच्छे से मैश हो जा रहा है। इसे हम डाल देंगे एक बड़े से बाउल में। यहाँ पर मैंने एक कप चना का स्प्राउट लिया है। अगर आपको कच्चे चने पसंद हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चा स्प्राउट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज का आलू लिया है और इस तरह से कट मैंने कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा टमाटर इस तरह से चॉप किया हुआ। 1/4 कप हम इसमें यूज़ करेंगे धनिया पत्ता। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। मैंने यहाँ पर 1 मिर्ची ली है। साथ में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल 1 छोटे चम्मच। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। तो यहाँ चना चाट हमारा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो कर लेते हैं इसे सर्व। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी सा आलू चना चाट यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। तो जब भी आपका दिल करे कुछ चटपटा खाने को तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। गार्निश कर लेते हैं इसे थोड़े से धनिया के पत्तों से। तो इस टेस्टी सी आलू चना चाट की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप सबको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।